किसी भी हाल में समझिए कि आश्वासनी पे लोग आज तक ये सब टिक रहा है, ये सब कर रहा है। किसी भी हाल में जो है ना आना जाना बेकार ही है ना, किसी भी हाल में जाना कैसे निकलेगा सर? आप सुन लीजिए पहले, किसी भी नहीं नहीं ये सब बेकार की बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कैसे नहीं करें, आप ही बताइए। अरे हाथ बढ़ा ले ना, हम तो हिस्सा कर रहे हैं, सब नहीं जानते हैं आप उधर हल्ला को बात कर रहे हैं। हल्ला ये वाली बात कैसे कर रहे हैं सर? आठ सालों से उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए। आप ऐसा 8 सालों से आश्वासन दिया जा रहा है और सर के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, सर के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, सर के द्वारा। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मेरे डेरा पर आ गए और मामला ये गंभीर है। मैं समझता हूँ कि सदन भी इससे सहमत होगा। अचानक सुबह सवेरे 10:30 बजे के करीब कुछ बच्चियाँ कुछ बच्चे आ गए, जिसके बारे में मैं खुद भी ये था कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो बच्चे बहुत मायूस हो करके आए और इनका मामला ये है कि उर्दू बंगला टीईटी वाले जो 8 सालों से रिजल्ट के लिए रोड पर हैं, संघर्ष भी करते हैं, सदन में भी ये मुद्दा कई बार आ चुका है, अचानक आज रोते और बिलखते बड़े मायूस होकर सर वो बच्चे आए हैं। उनकी मायूसी उनके चेहरे से उनके आँखों से झलक रही थी, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माननीय आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन में मार्क्स दिया गया या तो कट ऑफ मार्क्स कम किया गया, बिहार में भी ऐसा हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि उर्दू बंगला टीईटी के अभ्यर्थियों का या तो 5% कट ऑफ मार्क्स कम कर दिया जाए या उनको ग्रेस देकर रिजल्ट दे दिया जाए। बच्चों का कहना है कि हमें ज्वाइनिंग मत दीजिए, कम से कम रिजल्ट दे दीजिए ताकि हमारी लाइफ बच जाए। आपके माध्यम से हमें सूचना देनी थी, मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले। बोलने दीजिए इनको, हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव है महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव पर महोदय अग्निपथ योजना के विरुद्ध है।